तो आप दिल्ली की सीएम आतिशी को सुन रहे थे और साथ ही मंत्री कपिल भारद्वाज। और साफ तौर पर सीधे सीधे अब बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि अब एलजी साहब उनकी नियुक्ति की जो फाइल है, जो प्रस्ताव है, उसे मंजूर करें, क्योंकि महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर नोएडा से है। नोएडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपार्टमेंट की पहली मंजिल से एक बच्चा गिर गया, खेलते हुए बालकनी से 3 साल का मासूम गिर गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देखिए कैसे अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैद हो गया, और तस्वीरें देखिए कैसे आप खेलते हुए पहली मंजिल से बच्चा, 3 साल का बच्चा नीचे गिरता है। फिर वहाँ लोग जो हैं वो आसपास के लोग दौड़ते हैं, तुरंत बच्चे को उठाते हैं, लेकिन घायल हो चुका रहता है बच्चा। और ये खबर आपके लिए भी सबक लेने वाली है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप कहीं इस तरह के फ्लैट में, चूंकि आप अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, तो ज़रूर ख्याल रखिए बच्चों का, उन पर निगरानी रखिए। और बालकनी में अगर वो जाते हैं तो आप ज़रूर देखिए कि कहीं बालकनी का की जो रेलिंग है वो ज़्यादा छोटी तो नहीं, इस तरह के हादसे होने का डर बना रहता है। महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली है, और साथ ही साथ इस तस्वीर से सबक लेने की भी ज़रूरत है कि कैसे अगर कोई बालकनी में बच्चा जाता है और माँ बाप, अगर पेरेंट्स बिजी हैं कहीं और, तो चंद सेकंड में कुछ बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल इस बच्चे की हालत कैसी है ये बताइए। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात ये है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, अस्पताल में एडमिट है, और जिस तरीके से तस्वीर ये सामने आई, सच में एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार की लापरवाही सामने आई, और एक तरीके से बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो पहली मंजिल से गिरा। अगर यही कोई हाई राइज सोसाइटी होती, या कह सकते हैं या 25 या 20 मंजिल का होता, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता था। ऐसे में बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 113 में जो सनशाइन सोसाइटी है, ये कुल 3 मंजिला सोसाइटी है। जो बच्चा है पहले फ्लोर पे खेल रहा था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे खेल रहा था अपने अन्य दोस्तों के साथ, तो ऐसे में खेलते खेलते जब कब बच्चा नीचे गिर गया ये किसी को पता नहीं चला, तो इसमें लापरवाही है, क्योंकि जो रेलिंग थी काफी छोटी थी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अचानक बच्चों का जो एक पूरा ग्रुप था वो आपस में खेल रहा था, और खेलते खेलते एक बच्चा नीचे गिर गया। वो तो 4-5 लोगों ने वहां जो रोज लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा, और तुरंत इनके परिजनों को फोन किया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार वाले हैं उनका रो रो के बुरा हाल है, उनको भी लग रहा था कि अगर ये जो बच्चा है तीसरी या चौथी मंजिल पर होता तो गिरता तो शायद से और ज्यादा जख्मी हो सकता था। मगर ऐसे में बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा कि जब बच्चे आपके कहीं खेल रहे कूद रहे होते तो देखना होता कि क्या वो वहां से कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा नोएडा के थाना 113 में एक युवक 23वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहा था, तो वहां भी उसको लोगों ने बचा लिया था। तो ऐसे में जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो बहुत जरूरी होना चाहिए, माँ बाप की जो नजरें हैं वो बच्चों पे होनी चाहिए कि बच्चा आखिर कहाँ खेल रहा है, चाहे सड़क की बात करे या घर की बात करे या छत की बात करे। तो सोचिए अगर यही चौथी पांचवी मंजिल से गिरता तो बच्चे को ज्यादा गंभीर चोट आ जाती। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को अभी तक जो मेडिकल डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसी कोई गुम चोट नहीं आई, ऐसी कोई इंजरी नहीं आई जिससे बच्चा काफी परेशान हो। तो किस्मत की बात है महेंद्र, लेकिन अपने आप में ये खबर, ये तस्वीर जो है उन सभी माँ बाप के लिए सबक है जिनके घर में अगर छोटा बच्चा है और अगर वो इस तरह अपार्टमेंट में रहते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, या किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं। अक्सर देखा जाता है महेंद्र की बालकनी जो है, बालकनी की जो रेलिंग है वो बहुत कम हाइट की होती है। 3 साल के बच्चे की हाइट आप समझिए कि कितनी रही होगी, और बालकनी की रेलिंग की हाइट कितनी रही होगी, यही वजह है कि वो बालकनी से गिर गया बच्चा। बिल्कुल, देखिए अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो पूरे एनसीआर में चाहे लिफ्ट के मामले हो, बालकनी से बच्चों के गिरने के मामले हो, या स्टेयर से बच्चों के गिरने के मामले, इसमें काफी लापरवाही देखी जाती है, चाहे बिल्डर की बात करें या किसी की बात करें। ये उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं बनाते, केवल खाना पूर्ति करते, क्योंकि जो रेलिंग होती है इसके भी एक नॉर्म्स होते हैं कि कितनी ऊंची इमारत है उसके मुताबिक जो रेलिंग होती है वो बनाई जाती है। मगर अक्सर हमें देखते हैं कि जो बिल्डर होते हैं, जो ऐसे फ्लैट होते हैं, वो नॉर्मल रेलिंग बनाते हैं जिससे हादसों में बढ़ोतरी देखी जाती है, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि किस तरीके से बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता कि खिड़की क्या होती है, बालकनी क्या होती है, स्टेयर क्या होती है, वहां वो चढ़ जाते हैं, अगर किसी की नजर ना जाए तो वहां वो गिर भी जाते हैं और कहीं ना कहीं गंभीर चोट भी लग जाती है। ऐसे में तस्वीर उन माँ बाप के लिए एक सबक है, और उस बच्चे के लिए भी
और उसके परिवार के लिए ये सबक है कि इस बार तो बच्चा बच गया, मगर अगली बार उनको विशेष ध्यान देना होगा। इस बच्चे के लिए नहीं है, और जो अन्य जितने परिजन है, जो नए पेरेंट्स है, उनको भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। जब बच्चा उनका खेल रहा है तो उनको देखना होगा कि बच्चा मेरा कहाँ खेल रहा है, क्या वो एरिया सेफ है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि नजर हटती है और दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे में तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि रेलिंग की साइज क्या है, कहीं बच्चा छत पे तो नहीं खेला, कहीं बच्चा स्टेयर पे तो नहीं खेला, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामलों में होता है कि बच्चा नीचे गिर जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता, और जो मेडिकल की सुविधाएं होती है उसको लेट मिलती है, और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो यकीनन ये तस्वीरें और ये खबर सबक लेने वाली भी है, और अच्छी बात है कि राहत की बात है कि बच्चे की हालत अभी फ़िलहाल ठीक है, घायल ज़रूर है लेकिन कोई ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो, इस खबर से आप सभी सबक ज़रूर लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।